हे हेलो गाइस, आई एम इसके जीएनएडी एजेंट ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं जी तरीके से मेरा सबको आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मैं गोरखपुर के राजघाट यानी मुक्ति धाम, जहां मुक्ति धाम जहां लोगों को मुक्ति मिलती है, मैं उस जगह आया हूँ। और वो जगह की मैं कुछ ऐसे व्यू आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो गोरखपुर के आदित्यनाथ योगी जी ने बनवाया है। और आप कैमरा भाई को उधर करके दिखाइए ज़रा। ये देखिए, ये बैकुंठ धाम है जहाँ लोग बैठते हैं, यहाँ ये बैठका है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। और ये सब यहाँ सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पार्किंग वर्किंग है। और यहाँ से ये गेट के एंट्री है। महायोगी गुरु गोवर गोर क्या लिखा है, गोरखनाथ गोरखनाथ घाट। ये धूप की वजह से दिख नहीं रहा था। और ये देखिए भाई, ये क्या नाम है, शंकर भगवान का बहुत बड़ा ये वृक्ष मंदिर बना हुआ है। जिन भाइयों को दर्शन करना हो दर्शन कर लीजिए यहीं से। ये देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, काफी सुंदर बना हुआ है ये व्यू। ये सब गाड़ियाँ, ये पार्किंग वर्किंग है, ये सब दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अभी मैं घाट के पास जाता हूँ, घाट के पास आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं घाट पे कि वहाँ पे मुक्ति धाम में क्या होता है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि मैं एक भैया की गाड़ी जो मैं चलाता हूँ, ये वही गाड़ी है। देखिए यहाँ पे खड़ी है। और ये नौसड़ नौसड़ गोरखपुर में ये नौसड़ पड़ता है, मतलब आजमगढ़ से जब गोरखपुर एंट्री करेंगे तो नौसड़ पड़ता है। ये नौसड़ का पुल है, ओवरब्रिज है नौसड़ का। ये देखिए ओवरब्रिज है, जो बसें हैं गाड़ियाँ सब जा रही हैं इस पर। बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत, ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो गोरखपुर में ये बनी हुई हैं। जो भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें, ज़रूर यहाँ आएँ। घूमने के ही पर्पज से आएँ पर आएँ, बहुत ज़रूर, बहुत खूबसूरत जगह है ये। ये देखिए मुक्ति धाम है, यानी कि राजघाट है जहाँ पे लोगों को मुक्ति मिलती है। ये देखिए अभी काम यहाँ चल रहा है, ये मजदूर लोग भाई साहब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लोगों को मुक्ति दिया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पब्लिक लोग खड़ी है सारी। ये देखिए दीपक भाई हैं जो हमारे साथ आजमगढ़ से चल के आए हैं, और इनको भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी घूम रहे हैं हमारे साथ। यहाँ उस साइड कुछ दुकानें भी हैं जो किसी को कुछ चाहिए, मतलब खाने पीने के लिए पानी की व्यवस्था सब कुछ है यहाँ पे। अभी मैं उधर ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कोई किसी का किसी घर का किसी की मृत्यु हुई होगी तो वीडियो बनाऊँगा तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ें भी देखना पड़ता है भाई, किसी का सम्मान भी करना पड़ता है। चलिए तब ओके बाय, मैं इसी जगह से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।
और मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इसी तरीके से जनरल नॉलेज के बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।